हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कुछ ऐसी बल्किंग टिप्स के बारे में जो कि हमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे सीखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बल्किंग टिप्स जो कि आप लोगों के और मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है जब भी आप लोग बल्किंग करना चाह रहे हैं, चाहे अभी चाहे बाद में। तो इन चीजों का अगर आपने अप्लाई करा तो आप अपनी बॉडी में बहुत तेजी से बल्किंग कर सकते हैं, वो भी नेचुरली बिना किसी सप्लीमेंट वगैरह के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता दोस्तों। यदि मैं आप लोगों से बात करूं बल्किंग की, देखिए दोस्तों बल्किंग का मतलब ये आता है कि भाई अपनी बॉडी में साइज पुट ऑन करना, चाहे वो वेट हो चाहे वो मास हो। लेकिन वैसे अगर देखा जाए बॉडी बिल्डिंग में जब बल्किंग की बात करते हैं तो वहां पे आपकी बॉडी में फैट के साथ मसल साइज भी बहुत सारा बढ़ना चाहिए। तो यहां पे हम लोग इस चीज को लेकर के चलेंगे, केवल बॉडी में मास फैट बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अर्नोल्ड जू से क्या चीजें सीखने को मिलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। यहाँ पे हम कुछ उनकी ऐसी चीजें लेंगे जो कि उन्होंने टीनेज में फॉलो करी थी अपनी बॉडी में बल्किंग करने के लिए, क्योंकि उनकी टीनेज में भी ऐसी बॉडी थी जो कि अच्छे खासे अभी के जो एथलीट है उनको टक्कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके जो बाइसेप्स है वो ऑलरेडी 18-20 इंच के आसपास हो चुके थे जब वो टीनेज में थे, यानी कि 14-15 साल के या 16 साल के आसपास है तब उनके बाइसेप इतने साइज के हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि भैया उनकी बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी प्लीजेंट टू द आई थी, मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा था देखने में कि भाई क्या बताएं। और यकीनन उन्होंने उसके लिए उस हिसाब से डाइट भी खाई थी। अब कौन सी डाइट खाई थी, इसी से हमको सीखने को मिलेगा कि भाई हमको डाइट में अपने क्या ऐड करना होगा ताकि हमारी बॉडी में जल्दी बल्किंग हो। दोस्तों यहाँ पे अगर हमें बल्किंग करना है तो अर्नोल्ड जी की एक ये पहली टिप हमें अपने रूटीन में सबसे पहले ऐड करनी होगी, जो कि है कि भैया हमें अपनी मील को सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा। छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर पाएंगे, ये खुद अर्नोल्ड जी ने कहा था। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप हैवी मील एक बार में कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे आपको अपनी बॉडी में मसल साइज या वेट पुट ऑन करना है, आप कभी भी अपनी बॉडी में एकदम से ज्यादा खाना नहीं डाल सकते, क्योंकि देखिए आप खाना खा रहे हैं, इतना हैवी खाना खा रहे हैं, सारे खाने का पचने का समय अलग होता है। अगर आपने ज्यादा मात्रा में खाना खा लिया तो आपका सुबह वाला खाना पचेगा नहीं, आपने जब दोबारा दोपहर वाला खाना खा लिया तो फूड इनडाइजेशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी बॉडी में, जिससे आपका डाइजेशन 1-2 दिन में खराब हो जाएगा जब भी आप डाइटिंग शुरू करें। तो इससे आपको अपनी मील्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा, जिससे आपको उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको सुबह दोपहर शाम रात को इस तरह से खाना होगा, ठीक है। दूसरी टिप दोस्तों यहाँ पे निकल कर कहते हैं, इस टिप को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक पुरानी डाइट जो कि मैंने ऑनलाइन देखा था, पढ़ा रहा था, वहां से मैंने लिख करके स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास तक पहुंचा रहा हूँ। यहाँ पे उनकी डाइट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो क्या क्या खाते थे, जिसको हमें अपनी डाइट में भी ऐड करना चाहिए अगर हमें वेट गेन करना है तो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनकी डाइट में कुछ ऐसी चीजें भी है जिसको हम लोग नहीं खा सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी बॉडी में वेट गेन करने के लिए। और काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं भैया मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को एलर्जी है, मेरे को, अरे भैया जब आप कुछ खाएंगे नहीं कैसे बढ़ेगी आपकी शरीर। तो कृपया करके ऐसी बेवकूफी ना करें, अगर आपको शरीर बनाना है तो आपको खाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप साइड में फोटो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अर्नोल्ड जी की डाइट में बीफ भी है, और कह सकते हैं कि भाई चिकन पैटी या बीफ पैटी वगैरह बहुत सारे, लेकिन बीफ वगैरह तो हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि भाई मैं तो भाई मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, बाकी आपके बीच वो आप देखना चाहे देखें। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग खा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आती है, वो है आपका चीज और मिल्क। आर्नोल्ड जी ने भी भाई बल्किंग के लिए बहुत ज्यादा चीज और मिल्क कंज्यूम करा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई वो अपने यंग एज में 3-4 गैलन मिल्क के पीते थे एक दिन में। अब आप सोच सकते हैं 3-4 गैलन, अब वो उनकी हाइट तो शायद 6.2 या 3-4 के आसपास है, अब सोच सकते हैं कि भाई 3-4 गैलन यानी 1 गैलन का जो वेट होता था उस टाइम, वो जो बड़े वाले गैलन आते हैं वो 1.5 लीटर के होते थे, मतलब 1.5 लीटर के होते थे। तो उन्होंने उसको लगभग कह सकते हैं 4 गैलन एक दिन में खत्म कर रहे हैं पहले के टाइम में। अब आप सोच सकते हैं यानी कि भाई 5-5.5-6 लीटर के आसपास वो एक दिन में दूध पीते थे। भैया इतना ज्यादा दूध पिया जा सकता है, आप सोच सकते हैं और हम लोग हैं कि भैया भाई 200 ml डेली दूध पिया है, 200 ml क्या होता है भैया, चलो ठीक है आप 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 8 इंच के हैं तो कम से कम 1 लीटर तो दूध पिया जाए। अब कहेंगे भैया पैसे नहीं है, तो देखिए वो आपकी हेडेक है, क्योंकि देखिए अब मैं रास्ता बता सकता हूँ या कोई भी आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन चल करके तो आपको खुद ही जाना होगा ना। आप कहेंगे भैया, अब जैसे मैं आपको अभी डाइट बता रहा हूँ, काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई यार इतना नहीं खाया जा सकता, ये नहीं खाया जा सकता, वो नहीं खाया जा सकता। अब आर्नोल्ड को सोचिए, उस टाइम पे 5-6 लीटर दूध पी रहे थे, ठीक है। अब हम इतना नहीं कर सकते, मुझे पता है ये बेवकूफी है, हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि भैया हम अपने बॉडी में बल्कअप करें, साइज गेन करें। और रियलिटी यही है कि भैया अगर आपको बॉडी को अपने फुलाना है, साइज गेन करना है, तो आपको खाना खाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आर्नोल्ड जी डेली का 5-6 लीटर अभी आपने देखा दूध पी रहे थे, और साज में
चीज बहुत ज्यादा खाते थे, चीज यानी चीज स्लाइस होते थे जो हमारे अमूल दूध या जो भी जिसका भी चीज आ रहा है तो उसके चीज बहुत ज्यादा खाते थे। अब यहाँ तो अमूल नहीं है, बाहर पे बाहर कंपनी बाहर के साइड जो भी चीज हो वो वाली खाते थे, लेकिन चीज बहुत ज्यादा खाते थे। और सोने से पहले उनकी डाइट में होती थी आइसक्रीम, या दोस्तों जो कि एक बहुत यूनिक चीज़ आप कह सकते हैं बल्किंग के लिए थी, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि भाई पहले के टाइम में होता ऐसा था कि भाई वो कैलरीज वगैरह इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते थे, वो मोटा मोटा हिसाब रखते थे कि हाँ भाई आपने 4,000 कैलरी 5,000 कैलरी के आसपास रख लिया, लेकिन वो इतना मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि भाई कितना फाइबर कितना फैट कितना मिनरल कितना फैटी एसिड मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं करते थे। ठीक है उन्होंने करा वो करा, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म करा, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, उस हिसाब से भी भाई उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देख रेख के करी। अब यहाँ पर मैं तो आपको ये बताना चाहता कि भाई दूध एक बहुत बढ़िया सोर्स है वेट गेन करने के लिए, दूध या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं आर्नोल्ड जी जो भी है, जो कि इन्होंने 7-time के मिस्टर ओलंपिया भी हैं, जिन्होंने दूध इतना ज्यादा कंज्यूम करा, दूध कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट इतना ज्यादा कंज्यूम करा वो स्टेज वाली फिजिक रेडी करने की, प्रोडक्ट भी कितना ज्यादा मतलब काम कर सकता है कि भाई स्टेज रेडी बॉडी बना सकता है। और यहां पे लोग इग्नोर करते हैं भाई दूध कौन पीता है, अरे मैं दूध नहीं पीता, अरे ये हो गया, अरे मैं चीज नहीं खाता, अरे भाई पेट निकल जाए, भैया एक्सरसाइज करिए एफर्ट डालिए, आर्नोल्ड की ट्रेनिंग 2.5 से 3 घंटे की होती है, आप कहेंगे मेरे पास टाइम है तो 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटे निकालिए अच्छे तरीके वर्कआउट करिए। तो तीसरी और आखिरी टिप निकल करके आती है कि भाई अगर हमें बल्किंग करना है तो वहां पे हमें अपनी डाइट में चीट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। के कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आप लोग बॉडी में साइज गेन करें तो वहां पे आप डेडिकेटेड डाइट खा सकते हैं, लेकिन वहां डाइट में कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम वो कैलोरीज तक नहीं पहुंच पाते जो हमारी बॉडी की डिजायर्ड कैलोरीज है, जैसे कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, जैसे उन्होंने बताया कि भाई हाइट 6'1" या 2" के आसपास है तो उस हिसाब से उनको भूख लगती थी, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में सफिशियंट कैलोरीज नहीं जा पाती थी, तो उन कैलोरीज को पूरा करने के लिए बल्किंग के दौरान वो सपोर्ट लेते थे आइसक्रीम का, जो कि काफी अच्छा सोर्स है चीट का भी और बॉडी में वेट गेन करने का भी। आइसक्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी, ना मैदा पड़ा है कि भाई इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाता, कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो इतनी हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं उनकी बॉडी में एक्सेस हीट तो वैसे भी होती, और आइसक्रीम आपकी बॉडी में कह सकते हैं ठंडक प्रदान करेगी, आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा रखेगी, तो यहाँ पे इस तरह से वो अपनी चीज को बैलेंस करके चलते थे। और जो उनकी जो आइसक्रीम होती थी वो रात को सोने से पहले होती थी, लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द केस में उनके सोने से पहले जो आइसक्रीम होती थी वो मील के टाइम पे सोने से पहले होती थी, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि भाई यहाँ पे हमें चीट करना मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अभी आप मान लीजिए जैसे मुझे बल्किंग करना है, मेरे को 3500 कैलोरी चाहिए अपनी डाइट में, और यहाँ पे मैंने मतलब मेरी पूरी रात तक की मील हो गई है, मैंने सुबह से लेकर रात तक का खाना खा लिया, और यहाँ पे अभी मेरी डाइट में केवल और केवल 2500 कैलोरीज हुए हैं, अभी भी 1000 कैलोरी बची है, यानी 3500 कैलोरी चाहिए और मैंने अभी तक खाई है केवल 2500 कैलोरीज, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट ले सकता हूँ आइसक्रीम का, जैसे आर्नोल्ड जी ने अभी सपोर्ट लिया था रात के खाने के लिए, यहाँ पे मैं रात को सोने से पहले आइसक्रीम खा, सोने से पहले क्या मतलब रात के खाने के बाद आइसक्रीम खा सकता हूँ, 1 या 2 बाउल बड़ा वाला आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो कुछ इस ओल्ड स्कूल या क्लासिक तरीके से आप कह सकते हैं अपनी बॉडी में बल्किंग कर सकते हैं, यदि आप लोग बल्कअप करना चाहते हैं बहुत जल्दी से बॉडी में साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें फॉलो करके आर्नोल्ड जी की जो उन्होंने बताई थी इसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी में बल्किंग कर सकते हैं। और ये जो आइसक्रीम वाला फंड है ये बहुत ही लाजवाब है, इसको तो हमारे मुकेश सिंह जी भी फॉलो करते हैं जो हमारे इंडियन आर्नोल्ड हैं, जिनको आप लोग जानते होंगे भाई जो बॉडी बिल्डिंग के गुरु जी हैं, वो बहुत ही ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, उन्होंने भी खुद भी बताया कि भाई आइसक्रीम वगैरह ऐड कर सकते हैं, कभी कभार चीट के तौर पर ऐसा नहीं कि भैया 4 टाइम 5 टाइम आइसक्रीम चलिए, कभी कभार थोड़ी सी कैलोरीज को पूरा करने के लिए आइसक्रीम खा सकते हैं। ठीक है उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग बल्किंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी डाइट में चीजों को ऐड करें, मतलब मैंडेटरी अगर आपको वेट गेन करना है तो यहाँ पे आपको डेली प्रोडक्ट का सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।